पोहरी में संपन्न हुआ हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का भव्य कार्यक्रम। इस वक्त की बड़ी खबर पोहरी से आ रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देशन में मध्य प्रदेश में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। उसी क्रम में आज पोहरी में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अफाक अंसारी के नेतृत्व में पोहरी नगर में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा भव्य रूप से ढोल नगाड़े के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ डोर टू डोर हाथ मिलाकर कार्यक्रम का आगाज किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के उपरांत दिया गया संदेश एवं 15 महीने की कमलनाथ सरकार के जनहितैषी कार्यों को आम जनता तक पहुंचाना है। इसके अलावा 18 वर्ष से चल रही शिवराज सरकार की जन विरोधी नीतियों से जनता को अवगत कराने का काम भी किया गया। अब की बार कमलनाथ सरकार मध्य प्रदेश की मजबूरी है, कमलनाथ सरकार जरूरी है के नारों का घोष करते हुए शहर में अति उत्साह जनता में देखा गया। स्वयं जनता से भाजपा पार्टी के लुटेरों की सरकार को नकारते हुए 2023 में कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में लाने का आह्वान किया। पोहरी से धर्मेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट। राहुल गांधी जी ने पूरे भारतवर्ष में पैदल पदयात्रा करी है, भारत जोड़ो यात्रा, उसकी ये विस्तार यात्रा है जो हर ब्लॉक में, हर गांव में, हर घर पर जा रही है। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, उसका एक मात्र उद्देश्य है कांग्रेस पार्टी की योजना और कांग्रेस पार्टी के विचारों को घर घर तक पहुंचाना, युवा पीढ़ी तक पहुंचाना। यात्रा हमारी आज पौरी ब्लॉक में स्टार्ट हुई है। आज पहला दिन हमारा, करीब 90 पोलिंग हमारे पौरी ब्लॉक में आती है। हर पोलिंग के हर घर घर तक हमें जाना है। लगभग 10 दिन तक हमारी ये यात्रा लगातार चलती रहेगी। निकाली जा रही है, क्या उद्देश्य है? देखिए, जिस तरीके से हमारे देश के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो तकरीबन 4000 किलोमीटर की जो पदयात्रा की, उनका उद्देश्य था गरीबों से, मजलूमों से और किसान भाइयों से जुड़ना, जो देश की केंद्र सरकार में बैठी मोदी सरकार की देश विरोधी नीतियाँ उनसे अवगत कराना। वो यात्रा जो ख़त्म हुई, उसका दूसरा रूप हमने हाथ से हाथ जोड़ो, जो हाथ से हाथ जोड़ो एक अभियान, हमने हर पोलिंग हर घर तक पहुंचना है, उसको लेकर आज हमने पोहरी में, विशेष रूप से पोहरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने अपने नेतृत्व में ये यात्रा निकाली है, ये अभियान को चालू किया है और इसका भरपूर समर्थन हमें जन सहयोग के माध्यम से मिल रहा है, जिसमें हमारे पूरी कांग्रेस की टीम, सारे दावेदारगण और सारी कांग्रेस परिवारजन एक साथ होकर आज पूरे नगर में भ्रमण किया, जिसका पूरा रिस्पॉन्स हम लोगों को मिल रहा है। और निश्चित रूप से ये परिवर्तन की लहर है जो आने वाले 2023 विधानसभा चुनाव में आपको देखने को मिलेगी। यह यात्रा कब तक चलेगी? देखिए, ये यात्रा हमारी करीब एक और डेढ़ महीने के करीब चलनी है और ये यात्राएं सिर्फ सीमित समय के लिए नहीं है। जब तक कांग्रेस को हम जिता नहीं देते हैं, जब तक कांग्रेस की और कमलनाथ जी की सरकार को बना नहीं देते हैं, तब तक हम प्रण नहीं लेंगे। और ये हम लोगों का विश्वास है कि आने वाले समय में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं।